हाँ वेलकम दोस्तों, अभी ये वीडियो में हम कुवैत कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट मेन सिटी है सालमिया सिटी, सालमिया कहा जाता है, यहाँ पर फेमस एरिया है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगर आप कुवैत कंट्री में आना चाहते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते रहेंगे आपके एरिया में आप कौन से सिटी से हैं, पाकिस्तान, दुबई, इंडिया या फिर बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, कौन सी भी कंट्री में हैं, आपके एरिया में लुक जो रहता है, रोड व्यू रहता है किस तरह से रहता है, और यहाँ कुवैत कंट्री में जो है क्या चीज़ है, किस तरह से दिखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंस है, अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए कंफर्ट है या नहीं है यहाँ पर रहना, क्या आपके सिटी से यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें है, वो है बहुत सी चीज़ें अलग, सभी अलग अलग अपना कंट्री के जो रहते हैं उसमें डिफरेंसेस तो रहते ही रहते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते रहेंगे बस यहाँ पे हाउस जो रहते हैं, व्हीकल रहते हैं, रोड में यहाँ पे रोड व्यू देख सकते रहेंगे किस तरह से है यहाँ पे, बाकी नॉर्मल जो मार्केट वगैरह है जैसा कि इसमें अरबिक लैंग्वेज लिखा हुआ है तो सभी नेशनलिटी का अपना अपना जो लैंग्वेज रहता है वो यूज किया जाता है। आप श्रीलंका से हैं तो वहाँ पर डिफरेंस लैंग्वेज है, पाकिस्तान में है तो वहाँ पर डिफरेंस लैंग्वेज है, इंडिया में है तो वहाँ पर डिफरेंस लैंग्वेज है, यूज किया जाता है लोकल लैंग्वेज, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश यूज़ किया जाता है ये कॉमनली आपको मिलेगा यहाँ पे। आप अगर लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आप अगर इंग्लिश जानते हैं थोड़ा पढ़ना लगना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर आ सकते रहेंगे, ट्रैवल कर सकते रहेंगे, घूम सकते रहेंगे, यहाँ पर भी आपको बहुत से लोकल आपके एरिया के आदमी लोग मिल जाएंगे, देख सकते रहेंगे, विजिट कर सकते रहेंगे। है काफ़ी अच्छा एरिया है, कुवैत सिटी जो है शांत एरिया है, काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख भी सकते रहेंगे हमने बहुत से रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है अलग एरिया का, अलग सिटी का, कौन से एरिया में क्या कैसा रहता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और बिस्तर से अलग अलग लोकेशन का, अलग अलग जगह के बारे में जानना, देखना कौन से एरिया कैसा रहता है, क्या चीज़ है रोड मैप वगैरह, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उससे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है उसे ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी जान सके, देख सके, सीख सके। अगर आप ये वीडियो के माध्यम से कुछ देखना, पूछना और भी इन्फॉर्मेशन कौन सिटी के एरिया के बारे में जानना चाहते हैं या फिर क्या चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते रहेंगे, आप कमेंट में बता सकते रहेंगे। ये वीडियो इस चैनल पर हम इस तरह से ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, एरिया वाइज लोकेशन, सभी टाइप का जो भी व्यू रहता है वो चीज़ें हम बनाने दिखाने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगर आप कुवैत कंट्री में आना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते रहेंगे, ये जो नीचे सामने पिक्चर देख सकते रहेंगे, सर्कल, राउंड सर्कल है, एक ऐसा पिक्चर फ्रेम है, आप चारों ओर से घूमेंगे तो उसमें डिफरेंस और सभी अलग अलग जो है पिक्चर फ्रेम दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ओर से राउंड कर रहे हैं फ्रेम में, बीच में यहाँ पर फेस जो है पिक्चर जो है चेंज होते जा रहा है। ये फेमस जगह है सालमिया का सेंटर जो कह सकते रहेंगे, राउंड बोर्ड है, सेंटर पॉइंट में है यहाँ पे, है ना कमाल का। उसी तरह से और भी आगे आप देख सकते रहेंगे, यहाँ पर मार्केट वगैरह जो रहता है STC या फिर और भी कोई कंपनी है, STC एक लाइक सिम कंपनी है, सिम कार्ड जो रहता है नॉर्मल इंटरनेट का सिम जो रहता है उस तरह से STC है, पहले भी बात था अभी STC हो गया है। उसके बाद अभी और आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर कुछ गाड़ी व्हीकल का गैरेज है और ये सब जो भी है विलास वगैरह हाउसेस वगैरह है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, रोड साइड में मार्केट जो रहता है फार्मेसी मार्केट मिल जाएगा आपको, नॉर्मल के कंट्री के जैसा जो रहता है उस तरह से यहाँ पे भी रहता है, सभी जगह पे मार्केट वगैरह अवेलेबल रहता है। उसके बाद आप देख सकते रहेंगे ये जो पीछे साइड में पूरा सालमिया जो एरिया बड़ा एरिया रहता है सर, नॉर्मली छोटा नहीं है, सालमिया एरिया जो रहता है काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल सकता रहेगा देखने जानने को, वर्किंग यहाँ पर कंपनी या फिर मार्केटिंग, नेटवर्किंग हर एक चीज़ यहाँ पर उपलब्ध रहेगा, बस इस तरह से ओपनली आपको नहीं दिखेगा क्योंकि नॉर्मल लोकल मार्केट नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है प्रोफेशनली है, इंटरनली है। बाकी यहाँ पर जैसे करेंगे फार्मेसी भी है और उसके बाद गार्डन है या फिर और वो कुछ है यहाँ पर, बिल्डिंग हाउसेज दे सकते रहेंगे किस तरह से, तो कमेंट बता सकते रहेंगे आपके कंट्री से और यहाँ के कंट्री में लुक वाइज क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो शॉप वगैरह अरबिक कंट्री है, यहाँ पर शॉप है, मार्केट है, जो बैनर पोस्टर आपको अरबिक लैंग्वेज में देखने को ज़्यादातर मिलेगा, इंग्लिश भी रहता है बट ज़्यादातर आपको अरबिक में ही देखने को मिलेगा, दे सकते रहेंगे, ये
अभी तो नॉर्मल सभी एरिया का लोकल एरिया में मार्केट जो रहता है सभी में इस तरह से देखने को मिलता रहता है। बस भी देख सकते हैं यहाँ पर डबल डेकर चल रहा है सिटी बस का, और नॉर्मल आपके कंट्री में भी और सभी कंट्री में भी सिंगल तो नॉर्मल कामा नहीं है, बट डबल डेकर भी चलते रहते हैं। इसके बाद आगे हम देखने जाने वाले हैं कुछ राउंड बोर्ड है, ये यहाँ से अलग अलग एरिया का हो सकता रहेगा, कोई सिटी जाना है या फिर सारमिया जाना है या फिर भाई लहवेली और लोकेशन पे यहाँ पर देख सकते रहेंगे गाड़ी जो जा सकते रहेंगे। एक्चुअली अभी हम जो है कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं, नाइट टाइम में है, तो हमने सोचा कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर लें जिससे जो भी व्यूवर हमारे हैं वो लोग भी देख सके जा सके पूरे सिटी जो अभी साल में आए थे। इस तरह से हम अलग अलग लोकेशन पर जाते हैं, घूमने जाएंगे देखेंगे कहीं पे भी, इसे नॉर्मल वर्किंग के लिए हो गया या फिर ऐसे भी पर्टिकुलर जगह पर हम जाते रहते हैं घूमते रहते हैं देखते रहेंगे, तो इस तरह से वीडियो वगैरह हम शूट करते रहेंगे। और जिससे जो भी हमारे कुवैत में आने लोग आने वाले हैं जो लोग कुवैत में रहते हैं वो लोग भी जा सके देख सके कौन सा एरिया कैसा है सिटी कैसा है या और भी कुछ किस तरह से लुक वाइज रहता है क्या चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पर। बहुत से लोग रहते हैं कुवैत में ही रहते हैं, वो लोग को नहीं मालूम रहता है सिटी सलमिया या फिर राइल या फिर महमुल्ला या फिर मंगाब या फिर मालिया मुर्गा पे, सब बहुत सी एरिया नाम है और अलग तरीके से जगह पर नाम है, तो वो सब पर लोग नहीं सब कोई नहीं जानता देखता है। तो हम इस तरह से भी वीडियो में देख सकते रहें कौन से एरिया में क्या चीज़ है कैसा है और कुछ फेमस क्या चीज़ रहता है, वो भी हम आगे देखेंगे जानेंगे जानने देखने वाले हैं इस तरह से। तो वीडियो को हम स्किप करते हैं बंद करते हैं क्योंकि इस तरह से अगर हम ट्रैवल करते रहेंगे तो काफ़ी घंटों का वीडियो बनेगा क्योंकि काफ़ी दूर हम जा रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।